हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 24 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, जीके के, साइंस के, करंट अफेयर के, रीजनिंग के, मैथ के, वो सब कुछ डिस्कस करने वाला इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास हर एक शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो पहुंचता रहे और जितनी भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो भी आप तक पहुंच सके। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और प्लीज यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहां पे आपका, इस्पात उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो इंडिया अब थर्ड नंबर पे आ गया, ठीक है, अमेरिका को पीछे छोड़कर इस्पात उत्पादन में। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, मतलब पहली बार आया तो आगे भी रिपीट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो गोवा में किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन राइट आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल रिलेटेड क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और अभी 2-3 क्वेश्चन पता है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ नीचे। यहाँ पे था एक ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस वुमेन को मिला है? तो संता राघव स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ओडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था आपका, आंखों में रोशनी लाने का कार्य कौन सा भाग करता है? कॉर्निया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक था आपका, कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 किसने जीता था? तो इंडिया ने जीता था ईरान को हराकर। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर एक बार पूछ लिया जाता है कि इंडिया ने जीता तो नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया था किसको हराया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विद्युत बल्ब में बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये आपका टंगस्टन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका ये दोबारा रिपीट हो गया, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी है? गीता मित्तल जी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएच वैल्यू निकालने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? लिटमस टेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुद्दुचेरी के गवर्नर कौन है? तो आपका किरण बेदी जी हो जाएगा, और फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर आपका ये भी किरण बेदी जी हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। शायद ये भी पूछा गया था, अगर नहीं पूछा गया तो ये शायद पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर किरण बेदी जी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ चुका तो एक और आएगा, ये आपका सेकेंड या थर्ड या फिर आगे आने वाले दिनों में पूछा जाएगा पक्का, ठीक है। एक था आपका, 18वें ग्रुप में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन देखकर पता चल सकता था इसका आंसर, उसमें 7 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 18वें ग्रुप में, तो इनमें से आप कोई सा भी होगा तो आप देख लीजिएगा, पूरा सही में ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन ही भेजा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गोल्डन बूट किसको मिले हैं? तो हैरी केन, ये कई बार आ चुका है पहले। एक्सीलरेशन की यूनिट आपसे पूछी गई थी, मीटर सेकेंड स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। एक था आपका, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, पाकिस्तान की हाई कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी है? ये ताहिरा सफदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पित्त कहाँ से सर्वित होता है? तो बाइल डक्ट होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। एक था, जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? कल पूछा था कितनी होती है, आज पूछ लिया कहाँ पर होती है, तो ध्रुव पर होती है, यानी कि पोल्स पर सबसे अधिक जी का मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि सैमसंग के सीईओ कौन है? तो किम किन नाम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होगी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? ग्लेवनोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। एक था, नीति आयोग के अध्यक्ष, देखिए ये हजारों बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 MV² आपका हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट परचेज नहीं किए हैं और आपके पास 4-5 दिन है, मतलब अपना एग्जाम देने में, तो इनको जरूर लगा के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चन आते थे बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं आपको हर एक जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें रिमाइंड करा रहा हूँ बार बार, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे आते हैं तो उनको नहीं पता चलता है कहाँ से आपको परचेज करना है, कैसे परचेज करना है। तो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अगर आपका कल या परसों एग्जाम है तो आपको शायद मेरे हिसाब से तो खरीदने का कोई फायदा नहीं होगा, बट आगे आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, इसलिए मैं उनके लिए बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि इसमें 30 टेस्ट है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। प्राइस इसके 149 है, इसमें 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, यानी कि 120 रुपीज़ के हैं ये, ओनली 120 रुपीज़। तो ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप सही में मतलब सीरियस कैंडिडेट हैं।
और आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है। देखिए टेस्ट सीरीज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहीं से खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए, बट टेस्ट सीरीज लगाइए जरूर, ठीक है। और ये सबसे सस्ती है इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज और कोई भी फायदा नहीं है। सिर्फ ये 120 रुपीज़ की, तो 120 रुपीज़ में आपको टेस्ट देने के मतलब मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात मुझे तो लगता है कुछ हो सकती है। तो यहाँ पे ये कोड भरना है सौरभ SPL, यही आपका, ठीक है, कोड भरते 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं रीजनिंग की, और लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो छोटा सा त्रिभुज का निशान होता है ना कोने में आपका वीडियो के नीचे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे खुल के आ जाएगा। तो रीजनिंग का यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट कंक्लूजन से अच्छे खासे क्वेश्चन है, सिलोगिज्म से भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, मैं डिस्कस करूंगा सारे के सारे। वेन डायग्राम, क्लोक, कैलेंडर, सीरीज, एनालॉगी और मिरर इमेज, इनसे आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए एक एनालॉगी क्वेश्चन ये था कि 16 को अगर 60 है लिखा जाता है तो 30 को क्या लिखा जाएगा नेक्स्ट, तो 16 को 60 कैसे लिखा जाएगा, आप सबसे पहले इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करिए। तो 16 4 जा, ठीक है, और -4 करेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो 16 चौका 64, आपका 64 में से 4 माइनस करेंगे 60 हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आपका 34 जा 120 और 120 में से 4 माइनस करेंगे तो 116 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपका 17 सितंबर 1982 को कौन सा दिन था, तो ये क्वेश्चन तो आपका लगातार पूछा ही जा रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले डे 17, ठीक है, आपका जो कोड होगा इसके लिए क्या होगा, 5 कोड होगा सितंबर के लिए, और यहाँ पे 82 आपको लिखना है, और कितने लीप ईयर होंगे लास्ट में आपको ईयर और फिर लास्ट में लीप ईयर, इन सभी को प्लस करने के बाद में लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा आपका ये लीप ईयर हो जाएगा, तो कितना हो गया 20, इन सभी को प्लस करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा इनका सम, 124, 7 से डिवाइड करेंगे 5 रिमाइंडर आएगा, 5 रिमाइंडर का मतलब है कि फ्राइडे, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक था आपका ओड वन आउट का, तो ओड वन आउट में आपको क्या दे रखा था, स्पीड दे रखी थी, ब्रेक दे रखा था, टायर और गियर इस तरीके से दे रखा था। तो इनमें आपको तीन चीज़ तो कॉमन दिख रही होगी, ब्रेक, टायर, गियर, ये क्या है, एक मतलब फिजिकल आप इसको टच कर सकते हैं, बट जैसे स्पीड है आपका ये एक मतलब टच नहीं हो सकते हैं, इनविजिबल चीज़ है, स्पीड को आप कभी देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का ये आपका राइट क्वेश्चन था और ये इसका राइट आंसर स्पीड हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका कथन निष्कर्ष से, इसमें दे रखा था कि सभी फोटो हस्ताक्षर हैं और सभी ट्यूब्स हस्ताक्षर हैं, तो आपका देखिए यहाँ पे दोनों बार जो दिया गया है सभी के सभी फोटो और सभी के सभी ट्यूब हस्ताक्षर हैं, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। फोटो और ट्यूब का कोई रिलेशन नहीं है, बट दोनों के साथ में रिलेशन किसका है, हस्ताक्षर का है, यानी कि इसके ऊपर को जो वेन डायग्राम आएगा वो किसका आएगा, हस्ताक्षर का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब जो आपके कंक्लूजन दे रखे थे, निष्कर्ष दे रखे थे, वो क्या क्या थे, कम से कम कुछ ट्यूब फोटो है, तो ट्यूब और फोटो को तो कोई रिलेशन ही नहीं बताया गया ना, तो इसको हम कट कर देंगे, ये नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे बोला है सभी फोटो ट्यूब है, तो जब इनके बीच में रिलेशन ही नहीं है और कुछ का भी नहीं है तो सभी का कैसे हो जाएगा, तो ये भी हट जाएगा, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो राइट आंसर उसमें से हो जाएगा नाइदर वन और नोर सेकेंड वाला, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, कुछ इस तरीके से लड़का खिलाड़ी और छात्र का वेन डायग्राम, तो देखिए लड़का खिलाड़ी भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है, तो इस तरीके से कुछ आपका वेन डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। तो कुछ खिलाड़ी छात्र हो सकते हैं, कुछ छात्र लड़के, मतलब लड़के तो सभी मतलब वो होंगे, ठीक है, तो छात्र हो सकते हैं और खिलाड़ी हो सकते हैं, मतलब ये वाला, इसमें इस तरीके से डायग्राम दे रखे होंगे आपको, क्योंकि तीनों रिलेट करते हैं ना एक दूसरे से, और सम वाली कंडीशन यहाँ पे तीनों में सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। एक था आपका रेशनलाइजेशन के अक्षरों का यूज करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो चार ऑप्शन आपके ये थे, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है कि जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, उनसे ऊपर ऊपर वाले जो सारे वर्ड यूज करके ये वाला बन सकता है, ठीक है। जैसे एस है तो इसमें भी है, ई भी है इसमें, ठीक है, इसमें ई आपको कहीं नहीं दिखेगा तो ये तो हट गया, ठीक है। अब इसमें भी है तो ये भी हट जाएगा, इसमें भी है ये भी हट जाएगा, इसमें ई कहीं पे नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, आपने पूरा का पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपने पहला देख लिया कि इसमें ई आया और इसमें ई नहीं है, तो इसका मतलब अगर ई इसमें है और इसमें है तो दोनों ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैथ की, तो मैथ में आपके पहले चैप्टर में बता देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन थे आपके, टाइम एंड वर्क, ट्रेन से देखिए अब क्वेश्चंस दोबारे से फिर आने स्टार्ट हो गए हैं, पहले मतलब शुरू में आए थे और फिर बीच में बंद हो गए थे, फिर दोबारा से स्टार्ट हो गए। तो एक चीज़ तो यहाँ कन्फर्म है कि आपके जो पेपर पहले से बना के रख रखे हैं वो कुछ इस तरीके से रख रखे हैं कि तीन चार दिन में आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, फिर वही पैटर्न लेके आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है भाई, एचसीएफ एलसीएम स्क्वायर रूट प्रॉफिट एंड लॉस बोर्ड मास से आपके कई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेंसुरेशन पाई चार्ट से अब क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं और ये कम से कम भी लगातार 4-5 दिन तक पाई चार्ट के क्वेश्चन आएंगे। रात में मैंने एक वीडियो आपको शाम के टाइम अपलोड की थी, उसमें पाई चार्ट का भी समझाया था और प्रोबेबिलिटी से आपके क्वेश्चन शायद फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आए, अगर आए होंगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैंने उसके प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के आपके जो मेन मेन क्वेश्चन होते हैं वो रात वाली वीडियो में कराए थे, अगर आपने वो नहीं देखी होगी थर्ड शिफ्ट की वीडियो उसको देख लीजिएगा, एंड में मैंने करा रखा है पूरा। ठीक है यार, आप सारी वीडियो देखते रहेंगे ना तो मैं आपको बीच बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा, जो कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ये वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ इनको देखते रहिए बस आप। तो यहाँ पे आपका देख इसका निकालना था आपको स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आपको मैं हजारों बार बता चुका हूँ, बहुत ही सिंपल हो चुका है अब तो। देखिए यहाँ पे दे रखा था 5476 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो स्क्वायर रूट निकालने में पहले दो का हम पेयर बना लेते हैं और जो बचे उनका अलग से पेयर बना लेते हैं। इसमें भी हमें सिर्फ 6 से मतलब है, तो 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 4 के और आपके 6 के। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 6 के स्क्वायर में आता है, ठीक है इतना काम हो गया। अब ये आपको क्या देखना है, इससे छोटा स्क्वायर किसका है, 7 का, क्योंकि 8 तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है 64, ये 7 का स्क्वायर हमने किया है कितना है 49। अब आपका आधा आंसर तो आ चुका है, 7 तो आप लिख सकते हैं क्योंकि इससे छोटा जो भी स्क्वायर होगा वो आपका आधा आंसर होगा, यानी कि पहला आंसर का पहला पार्ट आ चुका है। और इसके बाद में 4 लिखे 6 लिखे ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, देखिए अगर ये जो 64 है यानी कि बड़े वाली संख्या के स्क्वायर के पास में ये है तो बड़े वाली संख्या रख दीजिए, अगर ये छोटे वाली संख्या के स्क्वायर के पास में है ये 54 यानी कि जो भी यहाँ संख्या होगी तो छोटे वाला, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि ये 49 के पास है 64 के, 49 के ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे आप 74 लिख करके राइट आंसर कर देंगे। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपका कुछ इस तरीके से कि x का आपको 60% और फिर उसका 3/5 निकाले तो आप 36 था, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको बतानी थी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई, जैसे हमने x लिखा और उसको 60% लिखना है तो 60/100 लिखेंगे, ठीक है इसी तरीके से तो करेंगे। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 3/5, अब इस 3 से इस ये 36 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल के साइन के बराबर में है। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा कितनी बार, 12 से कट जाएगा 65 टाइम, और 5 से 5 कट जाएगा तो कितना 100 बच जाएगा आपका राइट आंसर। तो कई बार ये क्वेश्चन देखने में बड़े अजीब से लगते हैं, ठीक है, और ये होते बहुत आसान है। और दूसरी बात ये है कि आपको लैंग्वेज में दे रखा था, ये मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा है, ये जब लैंग्वेज में लिखा होगा तो थोड़ा आपको हार्ड लगा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका कि 5 पेन का विक्रय प्राइस 4 पेन के क्रय प्राइस के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताओ। देखिए जब 5 पेन को हम सेल करेंगे 4 पेन के सीपी के बराबर यानी कि कॉस्ट प्राइस के, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें लॉस तो होना है भाई। जब 5 पेन का विक्रय प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस 4 पेन के क्रय प्राइस जितने में हमने खरीदा था ना उनके प्राइस के इक्वल होगा तो हानि प्रतिशत हमें बतानी है, तो हानि तो होनी है, वो कितने की होगी भाई। 5 पेन और 4 पेन हमने लिखा, 5 हमने सेल किए और किसके बराबर है वो 4 सीपी के, तो 1 पेन का हमें लॉस हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है हमने 1 पेन का लॉस हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से नीचे सीपी कौन सी रखी जाएगी। अब ये तो आपने देख लिया कि सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, किसकी, इन 4 पेन के बराबर है ना, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो नीचे हमेशा हमें बड़े वाली अमाउंट लिखनी होती है जब लॉस होता है, तो 1/5 × 100 करेंगे तो 20% का लॉस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कई चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से मतलब डीपली पढ़ा रखी है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देख रखी होगी मेरी तो ये सब कुछ मैंने करा रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये वाला कि ए बी की वर्तमान आयु का रेशियो ये है, 3 साल बाद ए का रेशियो इनका ये है और ए बी का आयु बताइए, यानी कि वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो ए और बी का जो वर्तमान में रेशियो है 7:3, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान की एज क्या मान लेंगे हम, 7x और 3x है, इसमें अगर मैं 3 प्लस कर दूं तो 2:1 के रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो 3 मैंने प्लस किया ये इस रेशियो के बराबर हो गया 2:1 के बराबर। तो इसी तरीके से आपको एक इक्वेशन बना लेनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7x और 3, और यहाँ पे इसकी करेंगे तो 6x और 6, और इस तरीके से करने के बाद में x वालों को एक साइड में लेके आएंगे तो कितना बचेगा 3, यानी कि x वाला तो आपका x बच जाएगा और ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई। तो पूछा किसका है, a और b की वर्तमान एज, तो 7x लिखा है तो 7 की मल्टीप्लाई अगर 3 में कर दे तो 21 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर दे तो 9 हो जाएगा, यानी कि a की वर्तमान एज आपकी 21 है और b की वर्तमान एज 9 है। तो आशा करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, इसकी PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है और वहाँ पर आप ऑलरेडी हैं
तो टॉपिक स्टडी सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करिए टेलीग्राम की, वहाँ पे अपनी आईडी बना लीजिए, मतलब जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही है, और फिर टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी पीडीएफ मैं ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डेली की तो मैं वहाँ पे अपलोड कर ही रहा हूँ, ठीक है। और जिन दोस्तों ने टेस्ट नहीं परचेज किया ना अभी तक, तो इसको परचेज कर लीजिए और उसका बेनिफिट ले लीजिए, ठीक है। 120 रुपये की इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपका बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा ये मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी टेस्ट देके आ रहे हैं वो बता रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपका भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।